इस क्वेश्चन में हमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी। पैरेललोग्राम ए बी सी डी के साइड डी सी पर एक पॉइंट पी और साइड ए डी पर एक पॉइंट क्यू हमें गिवन है। ये दो कोई भी पॉइंट्स हो सकते हैं और हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी क्यू सी। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा परपेंडिकुलर इनटू बेस। अब हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। हम पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर डालते हैं साइड ए बी पर। परपेंडिकुलर है पी एम, सो इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा पी एम मल्टीप्लाइड बाई ए बी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज पी एम मल्टीप्लाइड बाई ए बी। बट हमें यह भी पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी होगा हाफ ऑफ पी एम मल्टीप्लाइड बाई ए बी। देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज हाफ ऑफ पी एम मल्टीप्लाइड बाई ए बी, और ये पी एम मल्टीप्लाइड बाई ए बी ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी जो कि है पी एम मल्टीप्लाइड विद ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पॉइंट क्यू से साइड बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू क्यू एन मल्टीप्लाइड बाई बी सी। यहाँ पे मैंने बेस बी सी लिया है तो परपेंडिकुलर या हाइट हो गई क्यू एन, हाइट क्यू एन बेस बी सी, और ये क्यू एन मल्टीप्लाइड बाई बी सी ये होगा ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी सी। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी सी वो होगा हाफ ऑफ क्यू एन मल्टीप्लाइड बाई बी सी। हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज ट्वाइस ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी सी। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी, और यही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी सी भी है। इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, इक्वल करें, तो हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू बी सी।